गुलमोहर सिटी के केस में कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। मैंने कि इस टाइम कराची शहर का, हैदराबाद का बड़ा बेहतरीन सेलिंग ये प्रोजेक्ट बन चुका है। गुलमोहर सिटी की लैंड के जो एनओसीज हैं उसको रीस्टोर किया गया था। ये तीनों एनओसीज आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे बारी बारी, क्योंकि एज अ रजिस्ट्रेटेड मार्केटिंग हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी तमाम चीज़ें अपने देखने वालों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के सामने बिल्कुल एज इट इज़ रखें जैसी हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रई जाहिद और आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं रजिस्ट्रेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। अच्छा, आज की वीडियो का जो पर्पज़ है गुलमोहर सिटी के हवाले से, एक तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सारी की सारी, और दूसरा गुलमोहर सिटी के अगेंस्ट में कुछ प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है। तो आज हम अपने देखने वालों को कुछ चीज़ें क्लियर भी करेंगे कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो कुछ नोटिस की बेस पर किया जा रहा है और उस नोटिस की हकीकत क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम गुलमोहर सिटी कराची शहर का, हैदराबाद का, इस पूरे रीजन का सबसे बेहतरीन बिकने वाला प्रोजेक्ट इस टाइम कराची शहर हो या हैदराबाद हो, पूरे शहर में एडवर्टाइजमेंट भी बड़ी बेहतरीन की गई है। एडवर्टाइजमेंट के साथ ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट भी बड़ी बेहतरीन चल रही है। ऑन ग्राउंड दर्जनों की तादाद में मशीनें लगी हुई हैं और दिन रात मेहनत करके ऑन ग्राउंड बड़ा बेहतरीन एक शक्ल निकाली जा रही है प्रोजेक्ट की। हमारा 200 फीट का मेन बुलेवर्ड हो, प्रीमियम ब्लॉक हो, या इसका आपस में कनेक्टिंग रोड हो, शुरू के हमारे जो एरियाज़ हैं जिनमें प्लॉटिंग है उसका सेवरेज का काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो या मेन गेट की तैयारी हो, ये सारे के सारे काम ऑन ग्राउंड शुरू हो चुके हैं और बड़ी बेहतरीन रफ्तार के साथ और बेहतरीन डेवलपमेंट इस टाइम चल रही है। और आपको बताया मैंने कि इस टाइम कराची शहर का, हैदराबाद का बड़ा बेहतरीन सेलिंग ये प्रोजेक्ट बन चुका है। तो ऐसे में इसके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जाना कोई नई बात नहीं है, ये चीज़ एक्सपेक्टेड होती है। जो जो चीज़ भी बड़ी बेहतरीन चलने लगती है, मार्केट में अच्छा नाम बनाती है, तो उसके अगेंस्ट उसके मुखालिफ भी मैदान में उतर आते हैं और इस तरह की चीज़ें ढूंढते हैं कि वो किस चीज़ के ऊपर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नोटिस दिखाया जा रहा है, मैं अब उनका नाम नहीं लूँगा कि उनको अलग से एक पब्लिसिटी मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी एक चीज़ जो बताना चाह रहे हैं वो ये कि इन्होंने एक नोटिस दिखाया है जो 10 अगस्त का है। इस नोटिस पे बाद में आते हैं, पहले आपको बताते हैं कि 10 अगस्त को ये नोटिस आया था, 11 अगस्त को ये कैंसिल हुआ था और हमने तकरीबन तब उसी एक हफ्ते के अंदर इस नोटिस के हवाले से पूरी एक अपनी वीडियो बनाई थी एनओसीज के हवाले से और इस नोटिस की भी हकीकत बताई थी, क्योंकि एज अ रजिस्ट्रेटेड मार्केटिंग हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट हम सेल कर रहे हैं उसकी तमाम चीज़ें अपने देखने वालों के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के सामने बिल्कुल एज इट इज़ रखें जैसी हैं, वो पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों। अब हुआ ये था कि 10 अगस्त को एसडीए की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें सिर्फ गुलमोहर सिटी का नाम नहीं था, कोई 12 प्रोजेक्ट हैं जिनके वाले से बताया गया था कि इनके एनओसीज के चालान कैंसिल किए गए हैं। ये लेटर आया था 10 अगस्त को। 11 अगस्त को दो लेटर आए थे जिसमें बताया गया था कि जिस सब इंजीनियर ने ये नोटिस जारी किया था उसको सस्पेंड किया जा रहा है क्योंकि उसने हायर अथॉरिटी से अप्रूवल के बगैर ये नोटिस जारी किए थे। अच्छा, अगर आप हमारी पिछली वीडियो में जाएंगे तो मैंने रीज़न भी बताई थी कि सारी चीज़ें क्यों हुई थी, अब हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। तो 10 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया कि 12 प्रोजेक्ट के एनओसीज के चालान कैंसिल किए जा रहे हैं। 11 अगस्त को और 11 अगस्त को ही दो लेटर आए थे कि उस बंदे को सस्पेंड किया जा रहा है जिसने ये नोटिफिकेशन निकाला, और नेक्स्ट लेटर में गुलमोहर सिटी की लैंड के जो एनओसीज हैं उसको रीस्टोर किया गया था। ये तीनों एनओसीज आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे बारी बारी, और अगर आपको ये पढ़ने हैं तो आप पॉज करके ये वीडियो पढ़ भी सकते हैं, और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता ये एनओसीज तो आप मेरा नंबर दिया हुआ इस पर व्हाट्सएप करें, एनओसीज मांगें तो मैं आपको ये चीज़ें शेयर करता हूं ताकि आप तसली से ये चीज़ें देख सकें कि ये जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ उस लेटर को सामने रख के किया जा रहा है जो 10 अगस्त को आया था, हालांकि नोटिफिकेशन एक दिन के अंदर ही कैंसिल हो गया था। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये चीज़ हमने रिपोर्ट की थी अपनी वीडियो में, अब हमारे ऐसे यूट्यूब चैनल पर लगी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक लाजमी दूंगा, आप लाजमी देखिएगा कि एनओसीज के हवाले से ये डिस्कशन की थी उस टाइम पे भी हमने कि नोटिफिकेशन आया है और कैंसिल भी हो गया है। लेकिन प्रोपेगेंडा करने वालों को कोई ना कोई चीज़ ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जिसके ऊपर इस तरह की चीज़ें कर सकें, तो उनको ये पॉइंट मिला और उसके ऊपर किया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जितनी भी डेवलपमेंट हमारी चल रही है इसके सारे के सारे एनओसीज मौजूद हैं। यहाँ पे बता भी देता हूँ कि कौन कौन से एनओसीज रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को सेल करने के लिए। डीएचएसीटी के बाद जितने भी प्रोजेक्ट हैं हैदराबाद तक, वो सारे के सारे एसडीए के अंडर आते हैं, सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ऐसा इदारा है जो उनको उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देता है जो 99 ईयर लीज वाले होते हैं, जो सर्वे लैंड के ऊपर बने हों या ऐसी लैंड की टाइप्स के ऊपर बने हों जिनकी अथेंटिसिटी हो और 99 साल की लीज़ आपको मिलनी हो। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एसडीए के अप्रूवल्स मौजूद हैं।
SBCA के अप्रूवल्स मौजूद हैं जो सेल्स और एडवर्टाइजमेंट के लिए चाहिए होते हैं। इस टाइम पूरे शहरों में और हैदराबाद और कराची में हम अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो वो SBCA के NOC के बगैर मुमकिन ही नहीं था। और इसके अलावा आगे अगर हम जाएं यूटिलिटीज़ के लिए भी कुछ अप्रूवल चाहिए होते हैं जिनमें हैस्को का अप्रूवल मौजूद है इलेक्ट्रिसिटी के लिए और SSDC का अप्रूवल मौजूद है गैस के लिए। ये तमाम NOCs अब लाजमी तौर पे जब भी आप बुकिंग के लिए आते हैं तो आपका हक बनता है, आप हमारे पास देखें इस चीज़ को और अगर आपको तसल्ली करनी हो अपनी तसल्ली भी करें, उसके बाद आप बुकिंग कराएं। एज अ एंड यूज़र एज अ क्लाइंट आपका हक है कि ये चीज़ें आप जानें। और इसी के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। कुछ हमारे दोस्त हैं जो परेशान हो गए थे इन वीडियोज़ के आने से, तो उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि किसी भी किस्म की परेशानी की बात नहीं है, आप तसल्ली से इन्वेस्ट करें। और आपने जो इन्वेस्टमेंट की हुई है, मैं एक चीज़ और तमाम लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने एक डेढ़ साल पहले जब हमारा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था जो शुरू की इन्वेस्टमेंट की हुई है जिन्होंने, वो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिटेबल है। इस टाइम प्रॉफिट में अपना प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए, अपना प्लॉट लेके बैठे हुए हैं और रीसेलिंग बड़ी बेहतरीन चल रही है। अब बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स में जाते हैं जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर होते हैं, जब तक आपका प्लॉट की इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होती आप अपना प्लॉट सेल ही नहीं कर पाते। बिल्डर की पॉलिसी ऐसी होती है कि आप एग्जिट ही नहीं कर पाते, ट्रांसफर फीस इतनी भारी लगा दी जाती है। यहाँ पे एक ट्रांसफर फीस बड़ी नॉमिनल से रखी गई है और हमारे बिल्डर जो है कैप्टन नदीम खान साहब, उनकी पूरी कोशिश होती है कि एंड यूज़र तक ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो। और जो लोग इस प्रोजेक्ट को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, किसी मजबूरी के बेस पे सेल भी करना चाह रहे होते हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेटेड मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से हम अपने तमाम जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं जिनको हमने प्लॉट दिलाए होते हैं उनको बेहतरीन रीसेलिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जो क्वेश्चंस हैं, जो क्यूरीज हैं, वो आप कमेंट्स में पूछें, आपको रिप्लाई करेंगे। हमारा नंबर दिया है, आप उस पर पूछें, आपके ये क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे और बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ, तसल्ली के साथ इन्वेस्टमेंट करें इस प्रोजेक्ट में। आने वाला कल आपके लिए बड़ा बेहतरीन होने वाला है। और मैं आपको एक चीज़ और भी, अगर वीडियो लंबी ना हो रही हो तो बता देता हूँ कि सराउंडिंग में बड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं जो इस टाइम पोजेशन दे चुके हैं। अगर हम बात करें गुलमोड़ सिटी से 4 किलोमीटर आगे कमांडर सिटी है जिसमें आबादी आ चुकी है। कमांडर सिटी से 4 किलोमीटर आगे बहरिया टाउन का फेज 2 अभी 2-4 दिनों में ही आने वाला है। तो सराउंडिंग ऐसी बन रही है और इस टाइम पर जिस रेट के ऊपर गुलमोड़ सिटी आपको मिल रहा है, ये बहुत बेहतरीन रेट्स हैं। और आने वाले दिनों में हम भी अपनी प्राइस बढ़ाने वाले हैं गुलमोड़ सिटी की अगले चंद हफ्तों के अंदर, तो वो भी आपको न्यूज़ देंगे इंशाल्लाह जब ये एक नोटिस आएगा बिल्डर की तरफ से। तो हम नहीं चाहते कि एक ही वीडियो इतनी लंबी हो। आप हमारे चैनल पर जाएं, आपको हर तरह की, हर टॉपिक की, हर ब्लॉक की गुलमोड़ सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ऑन ग्राउंड हम वीकली विजिट भी कराते रहते हैं, आपको डेवलपमेंट के हवाले से अपडेट करते हैं, तो ये लाजमी चीज़ें आप चैनल पर जाके विजिट करें। एक रिक्वेस्ट आपसे, आप सबसे होगी कि गुलमोड़ सिटी के वाले से अगर आप इन्फॉर्मेशन मजीद भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो आपने हार्ड एंड मनी लगाई हुई है किसी प्रोजेक्ट में उसकी आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ रहने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।